पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। देशव्यापी आक्रोश के बीच कांकेर जिले के अंतागढ़ में कांकेर सांसद समेत नगर के लोग भी इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर नागरिकों में भी खासा आक्रोश देखा जा रहा है। नगर के लोगों ने गोल्डन चौक में कैंडल मार्च निकाला, साथ ही दो मिनट के लिए मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज यहां पे नगर पंचायत अंतर्गत में कैंडल मार्च निकाला गया। पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ जो कृत्य हुआ उसके लिए हम पूरे अंतागढ़वासी उसका निंदा करते हैं और जो भी दोषी है उसे अच्छे से अच्छी सजा हो और हम चाहते हैं कि उसे फांसी भी हो, क्योंकि एक डॉक्टर किसी का जीवन देने वाली है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, उसका हम निंदा करते हैं। आज जो महिला डॉक्टर के साथ में दुष्कर्म हुआ, कृत्य हुआ, वाकई में इसके लिए देश पूरा शर्मसार है और इसके विरोध में हमारे अंतागढ़ के नगरवासी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर के कैंडल मार्च किए और उनको श्रद्धांजलि दिए और ससन से ये मांग कर रहे हैं हम लोग कि उसको कड़ा से कड़ा, अपराधी को कड़ा से कड़ा सजा हो, उसको फांसी की सजा दी जाए, तभी जाकर के शांति मिलेगी। बंगाल में जिस प्रकार के वहां के ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला आया है, इसके लिए पूरा देश उसका निंदा करता है और उसी के लिए आज यहां पे अंतागढ़ के आम नागरिकों के द्वारा और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया था और मृत आत्मा को दो मिनट का मौन धारण करके उसको श्रद्धांजलि दिया गया। निश्चित रूप से ऐसे जो अपराधी हैं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए।